हे हेलो गाइस, दिस इज सी पी बिस्ट एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हमने प्रिपरेशन करी है अटल टनल जाने के लिए। सो आज इस जर्नी का जो मेन मोटिव है वो है अटल टनल। अटल टनल जो है वो अराउंड 10,000 फीट पर है जो उसका ऑल्टीट्यूड है, और 9.2 किलोमीटर्स ये लंबी टनल है, और जिसको पीर पंचाल की पहाड़ियों को खोद कर बनाया गया है। इसमें इस टनल को आप अप्रॉक्स 15 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब आपका जो एंट्री पॉइंट है और एग्ज़िट पॉइंट सिसु की तरफ है, जो कि आगे केलोंग को जोड़ेगा, और इसमें आपको रोहतांग को बाईपास किया गया है। सो गाइस, चलिए जर्नी को स्टार्ट करते हैं और मंजिल की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस, ये है दिल्ली का आइस बीटी जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं, और आगे किसी भी पेट्रोल पंप से टैंक फुल कराना है। सो यहाँ से कराएंगे अब हम अपना अपना बाइक का टैंक फुल और बढ़ेंगे फर्दर जर्नी के लिए। चलो भाई, चलते हैं अब। मैं ज़ीरो कर रहा हूँ। सो गाइज, अब हम टैंक फुल कराने के बाद मंजिल की ओर निकल गए हैं। यहाँ से हमें जाना है बाईपास, जिसको मुकरबा चौक या करनाल बाईपास भी बोलते हैं। वहाँ से हमें अप्रॉक्स कुल्लू जो पड़ेगा या मनाली पड़ेगा, दैट इज़ 410 किलोमीटर्स। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तो पहला स्टेज जो रहेगा हमारा वो कुल्लू में रहेगा या मनाली रहेगा, डिपेंड करता है रोड कंडीशंस के ऊपर। ओह भाई साहब, तीन बैठे हैं, तीन एक और भी डालो भाई। जाम देख कितना लंबा जाम है यार। आगे आई गेस कुछ आई गेस टोल का जाम है। देखो मेरे को लग रहा है जी, मेरे को बैक टू बैक दूसरा ट्रैफिक जाम मिला है। इससे पहले जो ट्रैफिक जाम था वो था सिंघू बॉर्डर पर, और ये है मुरथल टोल का जाम। ये री नकली वॉल्वो, दिस इज कॉल्ड इंडियन वॉल्वो, इंडियन वॉल्वो। ये है टोल, ये वाला टोल अपने को क्रॉस करना पड़ेगा। ये वाला ये देखिए, आप देख सकते हैं मैं इस वक्त 60 माइलस्टोन ढाबे पे हूँ, जो कि थोड़ा सा ही आगे है मुरथल से। फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, वो कब तक यहाँ पहुँचता है, लेट्स सी। टाइम यहाँ पे डिनर करते हुए 32nd माइलस्टोन पे।
सो गाइस अब हम मुरथल से डिनर करके निकल गए हैं और फर्दर जर्नी के लिए आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अब आगे आएगा पानीपत और उसके बाद करनाल। एक 45 और 40 का टाइम और ये आप देख सकते हैं ये बाइकर्स जो हैं, लेकिन पानीपत से पहले पड़ेगा गन्नौर, गन्नौर के बाद आएगा समालखा, समालखा के बाद आएगा पानीपत। इट्स नॉट दैट क्लोज। सो गाइस जिस फ्लाईओवर को मैं अभी क्रॉस करने जा रहा हूँ, ये फ्लाईओवर पानीपत का फ्लाईओवर है और ये फ्लाईओवर है टोटल 10 किलोमीटर्स का, लेकिन इसमें जितना एलिवेटेड पार्ट है वो है 3.6 किलोमीटर का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्लाईओवर है इस पूरे हाईवे के लिए, क्योंकि ये पूरे पानीपत सिटी को बाईपास करता है। रात को तो इतना कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन डे टाइम में डेफिनेटली ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि पानीपत सिटी बहुत ही हसलिंग और बसलिंग सिटी है, इतना भीड़ भाड़ वाला सिटी है कि आपके लिए ये फ्लाईओवर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी के साथ हम पहुंच गए हैं पानीपत टोल, अब आएगा आगे कुरुक्षेत्र एंड देन अम्बाला। सो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम इस वक्त करीबन 5 या 6 किलोमीटर पीछे हैं अम्बाला सिटी से। मेरी दोस्त के जो बाइक का टायर है वो पंक्चर हो गया है, वो मेरे से करीबन 2-3 किलोमीटर पीछे हैं, और ये सामने जो बाइक है ये मेरी बाइक है। तो लेट्स सी अभी इस वक्त यहाँ पे हमें कौन मिलेगा पंक्चर के लिए। मैंने अभी इवन कॉल भी किया है, बट कॉल पर जो भाई साहब, उन्होंने बोला कि वो ट्यूबलेस टायर का ही पंक्चर लगाते हैं, वो जो ट्यूब वाला टायर है उसके लिए उनके पास कोई भी लड़का या कोई भी ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो हमें अब इस वक्त सुबह के 5 बजे ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर हमें पंक्चर वाला मिलेगा। आई थिंक बस स्टैंड के पास हमें मिल सकता है, जो कि उन्होंने बताया है। सो लेट्स सी क्या होता है, बट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त। सो फाइनली अब बाइक का पंक्चर फिक्स हो रहा है, लेकिन इस वक्त हो रहा है अप्रॉक्स 7:45 या 8 का टाइम, और शॉप तो हमें काफ़ी पहले मिल गई थी, क्योंकि सजेस्ट ये किया था कि बस स्टैंड के, अम्बाला बस स्टैंड के पास ही शॉप है, तो यहाँ पे 2-3 दुकानें हैं, लेकिन जो ये शॉप है ये क्लोज थी, और डेफिनेटली क्योंकि जो भाई साहब थे वो रात को लेट सोए थे, तो इसलिए सुबह उठना पॉसिबल नहीं होता। तो काफ़ी मुश्किलों के साथ आस पड़ोसियों को बोलकर ये शॉप ओपन करवाई, भाई साहब ने ओपन करी, जो कि हम बहुत थैंकफुल हैं, और फाइनली अब पंक्चर इसका फिक्स हो जाएगा और हम फर्दर जर्नी के लिए प्रोसीड कर पाएंगे। सो यहाँ से पंक्चर फिक्स होने के बाद हम चंडीगढ़ बाईपास होते हुए पंचकुला एंड देन पंचकुला के आगे हिमालयन एक्सप्रेसवे जो टोल है उसको क्रॉस करने के बाद आगे लेफ्ट में कट आता है, सीधा जाएंगे तो शिमला कालका पहुंच जाएंगे, लेफ्ट अगर हम वहां से टर्न ले लेते हैं तो हम पहुंचेंगे बद्दी नालागढ़। तो बद्दी नालागढ़ होते हुए, स्वराघाट होते हुए हम पहुंचेंगे बिलासपुर एंड देन उसके बाद मंडी, मंडी के बाद कुल्लू। तो डिपेंड करता है कि रोड कंडीशन के ऊपर कि हम रात तक या शाम तक कुल्लू पहुँच पाते हैं या डायरेक्ट मनाली पहुँच जाएंगे। तो लेट्स सी क्या कंडीशन मिलती है रोड की आगे, किस तरीके से होता है। तो यहाँ से ये वाला जो कट है, यहाँ से अपने को लेना है लेफ्ट जो जाएगा शिमला एंड चंडीगढ़। ये वाला टोल है जो आई थिंक ये जीरक, ये टोल है चंडीगढ़ का, अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे। ये वाला टोल प्लाजा है हिमालयन एक्सप्रेसवे। Expressway.
अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले मेरे को, आई गेस 15 मिनट पहले, 10-15 मिनट पहले मेरे को थोड़ी सी झपकी आई, आई थिंक 2 या 3 सेकंड की झपकी थी, वो काफ़ी ज़्यादा था। कहीं ना कहीं अभी अपने को थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ेगा शायद, शॉर्ट ऑफ टी ब्रेक या ऐसा कुछ, शॉर्ट ब्रेक टाइप कुछ। What happened? लगता कोई मैसेज आ गया है उनको। थाना 2 किलोमीटर। मुझे लग रहा है ये नहीं है, ये थोड़ी है, ये तो कोई गांव में जा रहा है। मैं वही सोच रहा हूँ यहाँ वॉल्वो कैसे आती होगी मनाली वाली। नहीं मुझे लग नहीं रहा ये वाला है, ये गलत है। आगे से राइट होना था हमें, हमने पहले ही राइट ले लिया आगे। मनाली 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 ये पीछे वाला, और ये कहाँ यार? अच्छा चलो भाई। चलो यार ये अपने हमने सही टाइम लिया है। अब जाके जो पाइन ट्रीज हैं वो शुरू हुए हैं दिखने। हेलो गाइस, सो हम पहुंच चुके हैं बिलासपुर, और बिलासपुर में हम हैं अभी लेक व्यू रिज़ॉर्ट के अंदर। यहां पे हम अभी लंच करेंगे। पहले भी जब हम गए थे तो यहीं पे हमने लंच किया था, काफ़ी अच्छा था लंच। और लास्ट टाइम मैंने ऑर्डर किया था कढ़ी, इस बार मैंने ऑर्डर किया है कढ़ाई पनीर एंड दाल मखनी। लेट्स सी कैसा टेस्ट होता है इसका। कढ़ी का तो बहुत अच्छा था टेस्ट, हिमाचली कढ़ी बोल के उन्होंने दिया था, और बहुत अच्छा टेस्ट था कढ़ी का। काफ़ी अच्छा है। ये मैं अंदर से आपको रिज़ॉर्ट दिखा रहा हूँ, जो है रेस्टोरेंट है और रिज़ॉर्ट भी है ये साथ साथ। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अंदर से, इसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, खाना तो यहाँ का अच्छा है ही, साफ सफाई भी काफ़ी है। हिमाचल टूरिज़्म बोर्ड के अंडर ये आता है। ये सतलुज रिवर है, यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं बोट है रिवर में। देखिए कितने ब्यूटीफुल सीनरी है, क्या लैंडस्केप शो हो रहा है यहाँ पे, क्या बात है। चलिए ओके।